नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग रश। दो हफ्ते पहले शिवपुरी के नज़दीक 3-4 किलोमीटर पे जो श्रद्धालु शिवगढ़ के दर्शन के लिए आए थे, उन पे टेररिस्ट अटैक हुआ और उसके वजह से 10 जन की मौत हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये अटैक होने के बाद मेरे मन में मेरी ओल्ड मेमोरी, जो 2 साल पहले मैं शिवपुरी गया था, वो जागृत हो गई। तो इस वीडियो में आप देखेंगे वो यात्रा की पूरा वीडियो। तो मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें लेटेस्ट अपडेशन के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। ये शनि का टेम्पल है। अभी चढ़ाई चालू हो चुकी है। ऊपर शेड भी बनाए हुए बारिश के लिए। वैष्णो देवी की उतनी सुविधा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये एरिया भी डेवलप हो रहा है। महाशिवरात्रि में यहाँ बड़ी यात्रा लगती है, 3 दिन का मेला लगता है। क्योंकि उधर मेरे को एक अनुभव भी आया है। अच्छा। मैं एक बार घोड़े से गिरा था। अच्छा। तो एक डॉक्टर आया सामने से। अच्छा। और डॉक्टर ने मेरे को ऐसा हाथ लगाया, मैं बोला कौन है, इसलिए ऐसा किया। अच्छा। तो बोला मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा। और वो बाद में गायब हुआ। अच्छा। मैं वो माता रानी ने भेजा था। अच्छा। और उधर से मैं बॉम्बे जाते टाइम भी ट्रेन में डॉक्टर बाजू में सब, बाद में 2 महीना मेरे को बेड रेस्ट था। हड्डी टूटा नहीं था, लेकिन डैमेज हुआ था। उसके बाद मैं 8-10 साल घोड़े पे बैठा ही नहीं, अभी बैठने लगा। अच्छा, थोड़ा डर बैठता है ना। नहीं, क्या बंजर ने मेरा प्रसाद था ना, उस पे जंप मारा झाड़ से। अच्छा, तो तभी वो, लेकिन मेरे ऊपर नहीं गिरा, घोड़े पे गिरा, घोड़ा ऐसा हुआ। अच्छा, लेकिन वो माता रानी ने भेजा होगा उसके रूप। सब भगवान की दया होती है, भगवान के सामने कुछ नहीं है। ये कौन सा मंदिर है सामने? ये राम मंदिर है। ये राम मंदिर है, बाबा जी ने बनवाया। आगे एक मंदिर दिख रहा है, वो राम का राम मंदिर है। ये देखो, पूरे आजू बाजू के पहाड़ देखो, ग्रीन है। फिर नीचे से दूध गंगा का उगम स्थल है और यहाँ बाथिंग का घाट है। दूध गंगा इधर से निकलती है? गुफा के जो अंदर से पानी आता है वो हाँ, नीचे से निकलता है। ओके। Hey!
जय बोले की हम लोग वहां से नीचे से आए, वो एक रोड दिख रहा है, बहुत ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं। अभी कितना बचा है? एक आध किलोमीटर अभी, एक किलोमीटर बचा है। पहुंच गया ऑलमोस्ट, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। एक टर्न के बाद हम लोग ऊपर पहुंचेंगे। और ये किधर है? उतर चुके हैं और एक 5 मिनट चलना पड़ेगा, थोड़ी सीढ़ियां है, उसके बाद हम गुफा के वहां पहुंचेंगे। वैष्णो देवीला पण होतीच पाहिजे मला। हम लोग अभी सीढ़िया चढ़ रहे, थोड़ा ही अंतर बचा है। हेलीपैड दैट साइड, अभी सीढ़िया चालू हुई है थोड़ी। हम लोग यहाँ से चलते हुए आए हैं ऊपर, घोड़े को नीचे छोड़ दिया। हम लोग मंदिर के एरिया भी पहुंच चुके हैं। शिव कोड़ी सारी मोड़ दिख रहे हैं। किसी चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं? हाँ, YouTube वगैरह के लिए। YouTube के लिए किस नाम से? ट्रैवलिंग रश। हाँ, ट्रैवलिंग रश। 5,000 सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, तो हमारी तो वीडियो बना लो।
मैं लिंक भेजता हूँ। ट्रैवलिंग रश TRAVELLINRUSH। हम लोग अभी शिवपुरी के प्रीमाइसेस में पहुंच चुके हैं। हम अगर आपको आ रहा है तो वो सामने गुफा दिख रही है शिवकोड़ी की। वहाँ कैमरा मोबाइल लेके जाने का अलाउड नहीं, इसलिए मैंने शूटिंग नहीं किया है। अभी हम लोग शिवकोड़ी से दर्शन लेके नीचे निकल रहे हैं। ये आजू बाजू का व्यू देखिए, अभी एक सुबह सीढ़ी हमको उतरना है, उसके बाद हम लोग घोड़े से नीचे आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। और बाद में नीचे जाके हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद सागर जी की गाड़ी से कटरा जाएंगे। कटरा से कल हम सुबह जम्मू के लिए, जम्मू एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और शाम तक मुंबई में पहुंचेंगे। ये देखो बाजू का व्यू, ये सामने जो बन रहे वो पुलिस क्वार्टर से। जहाँ से घोड़ा हमको अभी पकड़ना है उधर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये सामने दिखा रहे हैं जस्ट 50 मीटर पे है, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे। मेरे को लगता है उतरने के लिए मैक्सिमम आधा घंटा ही लगेगा। हम लोग ने अभी रिटर्न जर्नी चालू की है, आधे घंटे में नीचे पहुंच जाएंगे। सोते शिवपुरी का वीडियो मेरा एक या दो पार्ट में आएगा। चलो लगता है बहुत आगे, थोड़ा आगे चली गया। ये दूध गंगा ना, अब बोली थी हम लोग अभी छोटे ब्रिज से जा रहे हैं। आयन का ब्रिज है, बारिश के समय यहाँ बहुत पानी होता होगा।
ये शिव जी का मंदिर है, ये भी लक्ष्मी का मंदिर। यहाँ भी एक मंदिर है, लक्ष्मी का मंदिर है, माँ लक्ष्मी मंदिर, छोटा सा मंदिर है। यात्रा संपूर्ण करेंगे। डेढ़ किलोमीटर का अंतर रह चुका है, टोटल डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर है शिवपौड़ी का गुफा का नीचे से, तो 15 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत ऊपर से हम लोग अभी नीचे आ चुके हैं, देखो अभी रोड का स्टिफनेस भी कम हुआ है, ढलान भी कम हुई है। आगे भी राम का मंदिर दिखने लगा है, छोटा सा मंदिर है। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नीचे, देखो झाड़ पे एक बंदर चढ़ रहे। दूधगंगा रिवर है, सिद्ध समाधि नागा बाबा रामेश्वर गिरी उनके है यह मंदिर है। हम लोग एक लोगों के ब्रिज पे जा रहे हैं और ये नीचे दूधगंगा रिवर। ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे पहुंचे हैं। शिवकोड़ी ये प्राकृतिक गुफा है जो नेचुरली बनी हुई है, अभी कोविड के कारण नेचुरल गुफा से जाने के लिए बंदी है, और एक दूसरी गुफा बाजू से टनल बनाया है उसमें से आप जा सकते हैं। होगी अब बरसात के टाइम पे भर जाता है पूरा, वो है ब्रिज से पानी जाता है, ब्रिज से नहीं उससे नीचे से जाएगा उतना नहीं। ये दूधगंगा नदी है, उसके ऊपर ये लोखंड का ब्रिज है। ये देखो बरसात में इसमें बहुत पानी रहता है। एक व्यू पॉइंट भी बनाया हुआ है। थोड़ा रास्ता ही बचा है, जस्ट 1.5 किलोमीटर या उससे भी कम होगा। नहीं लगे, इधर एक छोटा गांव है और आगे का मोड़ में मोस्टली हम लोग पहुंच चुके होंगे।
हमारे लेफ्ट साइड से दुर्गंधा रिवर बह रही है। देखो हम लोग ऑटोमोस्ट पहुंच गए हैं। वहाँ जो बिल्डिंग दिख रहे हैं वो एंड पॉइंट है और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो जरूर देखिए और मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करके लेटेस्ट अपडेशन जल्द से मिल पाए। अभी 100 मीटर डिस्टेंस रह चुका होगा। आते टाइम हम लोग 15-20 मिनट में आ गए जो कि पूरी ढलान है। आते टाइम स्टीप चढ़ाई होने के कारण थोड़ा और 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। हम लोग एंटर हो चुके हैं। हम लोग अभी रानसू गांव में है जो शिवकोड़ी का बेस कैंप है। ये दूधगंगा रिवर है मेरे लेफ्ट और राइट साइड में देखो, और यहाँ भी देखो, और वो पहाड़ के पीछे शिवकोड़ी है। आगे चल के शिवकोड़ी गुफा को जाना पड़ता है। क्या घोड़े से भी जा सकते हैं। छोटा सा गांव है, यहाँ धर्मशाला है रहने के, तो ऐसा अच्छा होटल नहीं है, वो नॉर्मल फैसिलिटीज है यहाँ छोटी सी, क्योंकि लोग जनरली दर्शन के लिए आते हैं यहाँ और एक रात रह के वापस चले जाते हैं। कटरा जैसा इतना वो गाँव, ये गाँव रानसू गाँव इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है शिवकोड़ी के पवित्र धाम के वजह से। शर्मा रेस्टोरेंट में खाना खाया, बहुत बढ़िया देसी खाना है, फ्रेश मिलता है। नहीं करना है।